हाय नेहा। हाय। अभी आई? गाने सुन रही थी, सैड है लेकिन मजा आ रहा है। अरे आना बैठ। बता ऋतु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुझसे कैसे कहूं। क्या बात, क्या है? मैं जानती हूं तुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे ही ये बात कहने के लिए भेजा गया है। मैं तुझे आकाश भैया की शादी के लिए इनवाइट करने आई हूं। नेहा, मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। मैं ये बात जान गई हूं कि आकाश मेरे लिए नहीं बना। ऋतु, ये सब कुछ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कॉन्ट हेल्प इट। कम ऑन नेहा, आज तक मैं सुनती आई थी कि शादी के जोड़े ऊपर से बनकर आते हैं। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। तू क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यू डोंट हैव टू फील सॉरी अबाउट इट। तू देखने, तू भी मेरी तरह रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले। हाँ, मेरा कार्ड कहाँ है? कार्ड तो दे। मैं आकाश की शादी पर जरूर जाऊंगी। आज भी आकाश मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कम ऑन, गिव मी द कार्ड। ओके, मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। लेग 41, 34। और दिखाना? जी बिल्कुल। मैंने दिखाना ही था। ये देखिए, लेकिन अगर आपको और साड़ी चाहिए तो शोरूम से मंगानी पड़ेगी। ये लो, ये देख लो, ये सेट आपको जरूर पसंद आएगा, एकदम परफेक्ट। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा है दीदी, लेकिन कीमत भी खूब होगी। कहाँ किधर दाम है, आप एक बार काम करो ना, एक सब पसंद करो ना, एक साथ में बाद में एकदम वाजिबी हो लगा दूंगा मैं। फिर भी बताइए तो सही, इसकी कीमत है क्या? बहन एकदम कम है, 1,05,000 रुपया बस। ये तो आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अरे किधर ज्यादा, ये हम लोग एकदम मिनिमम भाव में धंधा करते हैं, मालूम? आपको मालूम है, मेरे को समझ में आ रहा। आप सोच रहे हो वो बड़ी बड़ी शोरूम जो दुकान लगा के रखे, वो लोग है वो बाहर जो सजावट दिखाते हो लोग, बल्ब जलाते हो लोग, उसका पैसा भी वो कस्टमर से लेता, आपको मालूम नहीं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप अपना प्रॉफिट लेते ही नहीं है। प्रॉफिट नहीं लेगा तो पेट किधर से भरेगा? लेते हैं हम लोग, क्या सोने और चांदी का जो भाव रहता है ना, सोने का, हीरे का, चांदी का, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा मिनिमम चार्ज बढ़ा देते हैं, बस जास्ता नहीं। ठीक है ठीक है, इसे रख दीजिए, बाद में कीमत कुछ कम कर दीजिएगा। नहीं नहीं, कीमत में कम मत बोलो। देखो क्या है ना, हम लोग का एक ही सिद्धांत है, एक ही उसूल है, इन्हें थोड़ा सा पैसा लेने का, गिराक से गिराक को चूना लगाने का नहीं। गिराक भी खुश, अपन भी खुश, सब खुश। 22, भाई देखना कि इस वक्त फिटिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शशिभा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कभी शिकायत का मौका दिया है क्या? अरे नहीं, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है। 34, ये वैसे ही बनाना जैसे पिछली बार जो प्रीमियर में आकाश ने पहना। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। अरे मालती, तुम भी कोई साड़ी देख लो ना, इतनी जल्दी में आए बहन जी हम लोग, मैं कोई अच्छी साड़ी रख ही नहीं पाई। अब यही से 3-4 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। कोमल, ये देखो ना, शादी के लिए मुझे तो बहुत पसंद है। लग तो मुझे भी अच्छी रही है। भैया ऐसा करना कि ऐसी ही 3-4 साड़ियाँ और दे दे। नहीं नहीं, ये साड़ी मैं रख लेती हूँ, आप किसी और डिजाइन का देख लीजिए। ये मैं शादी में पहनती हूँ। अब रिसेप्शन के लिए एक और साड़ी देखनी पड़ेगी। रिसेप्शन के लिए
कोमल ये देखो ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। ये भी अच्छी है। अच्छा ये मैं रख लेती हूँ। हाँ तुम देख लो कोई और साड़ी। सिम्मी की शादी होगी सोचकर मैंने काफी खरीदारी कर ली थी, उसी में से एक दो पहन ली। अरे मेम साहब एक दो साड़ी ले लीजिए, ऐसी साड़ी दोबारा मिलेगी नहीं। सिम्मी की शादी होती तो ले भी ले। अरे निकिता तुम भी ले लेना एक साड़ी। नहीं माँ आप अपने लिए साड़ियाँ ले लीजिए, मेरे पास बहुत है। बहन जी ये तो आपने देखा ही नहीं, ये देखो, ये तो कोई एक बार देख लो। क्या कीमत है इसकी? अरे कीमत छोड़ो ना, एकदम प्योर गोल्ड है, 22 कैरेट। क्या है इसमें का दो ही पीस बना था, एक तो बिक गया 75,000 रुपए में। क्या आपके साथ में थोड़ा घर का संबंध है ना, इसलिए 2,500 रुपया कम समझो, 72,500 रुपए में आपका ले लो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है दीदी। ठीक है फिर इसे तुम रख। मैं? लेकिन दीदी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। पागल है क्या, इस घर से तेरा भी कोई रिश्ता है ना। एक काम करिए आप इसे भी पैक करा दीजिए और सबकी कीमत एक साथ लगा दीजिए। बस जी। अरे ऐसे कैसे, ये तो आपने देखा ही नहीं अभी तक, कितनी धूल पड़ा था ये देखो। इसको तो एक बार। नहीं नहीं बस के लिए रहने दीजिए। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, देखो एक बार। नहीं फिर कभी। तो हो गई खरीदारी जी। अब अगर आप अपनी तरफ से अपनी भाभी को कुछ प्रेजेंट देना चाहते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी। हाँ जरूर जो चाहे देखिए। देखो देखो एकदम परफेक्ट है, देखो एकदम 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 सुंदर, देखो दिखा दो एक बार। ये कैसा भाभी दी? तुम्हें पसंद है तो मुझे पसंद है। हेलो हो गया ना फाइनल। एकदम फाइनल समझो, अभी दूसरा बोलो। आकाश तुम यामिनी के लिए कुछ नहीं लोगे? यामिनी के लिए भाभी पसंद करोगे तो भाभी वो वाला दिखाइए। ए अरे ये तो एकदम ए वन आइटम है, देखो। कैसा लग रहा है? लेकिन दीदी ये सेट तो आपको बिल्कुल ना पसंद है। मुझमें और यामिनी में फर्क है सिमी। जरूरी तो नहीं कि जो चीज मुझे ना पसंद हो उसे भी ना पसंद हो। मुझे तो लगता है यामिनी पे अच्छा लगेगा। नहीं ये यामिनी को दे। ठीक है भाभी जैसा आप ठीक से। हेलो हेलो रितु, मैं यामिनी बोल रही हूँ, कैसे हो? ठीक हूँ। रितु आज घर आ रही हो ना? किस लिए? मेहंदी रसम है आज। कोशिश करूंगी। रितु अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से अनामिका आंटी को भी इनविटेशन देना। तुम खुद ही उनसे कह दो, मैंने फोन देती हूँ। हेलो। नमस्ते। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। आज मेरी मेहंदी की रस्म है, अगर आपके पास समय हो तो प्लीज आइएगा। वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे। ठीक है मैं आऊंगी। चलिए मैं रखती हूँ, बस आपको इनवाइट करने के लिए फोन किया था। बाय बाय। बात है निकी, आज अभी तो ऑफिस में हो तो? यार जय ये काम मुझे आज ही फिनिश करना है, कल तक डिस्पैच करना है ना इसे। घड़ी देखी है? इस वक्त तो मुझे काम के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। उफ। अरे आज तो तुम्हें मेहंदी के भी रस्म में जाना था। क्या बच्चे मेरे लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो निकी अगर फंक्शन में तुम टाइम पर नहीं पहुंची तो तुम्हारे घर वाले बुरा मानेंगे।
तो क्या करें? काम छोड़ दें? मंडे को टेंडर भेजने की लास्ट डेट है जय, और अगर कल तक ये सामान डिस्पैच नहीं हुआ तो हमारे यहाँ से काम निकल जाएगा। अरे लेकिन निकी, मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी कंपनी की काम की वजह से देर हो रही है। जय, ये मेरा काम है और इस कंपनी के साथ मेरा फ्यूचर भी जुड़ा है। अब मेहंदी के फंक्शन में मैं देर से पहुंचती या नहीं पहुंचती, दैट इज माय पर्सनल प्रॉब्लम, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमारा ऑफिस सफर करे। आई डोंट लाइक दिस, यू नो। ओके ओके, आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, आई एम रियली सॉरी। जय प्लीज। एनीवे, जब भी तुम्हारा काम खत्म हो मैं अपने चैंबर में हूं, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। ओके ओके, हैव अ नाइस टाइम।